दुनिया अभी कोरोना के खौफ में है। लोग सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए अपने घरों में दुबके हैं। सड़कों पर पुलिस का पहरा है व लोग इस लाइलाज बीमारी से त्राहीमाम कर रहे हैं। लोगों के पास ना तो पैसा है ना कोई साधन। सरकार सोशल डिस्टेंस बनाने की बात कह रही है व लोगों से घर की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की हिदायत भी दे रही है। ऐसे में कई ऐसे गरीब व मजबूर लोग हैं जो इस विपदा की घड़ी में तिल तिल मरने को मजबूर हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के मोतिहारी से एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, मोतिहारी के जिला प्रशासन ने भूखे पीड़ित लोगों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। बता दें कि आज उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने छतौनी बस स्टैंड के निकट रैन बसेरे में सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया। साथ ही इस नेक और पुनीत काम करने के लिए जिला प्रशासन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।